राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 8 जून 2021 को एक आदेश जारी कर बताया गया कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर जितनी भी एजेंसियां संचालित हैं उन सभी एजेंसियों के खाते 1 जुलाई 2021 से जीरो बैलेंस अकाउंट के रूप में संचालित होंगे। अर्थात 30 जून 2021 को जितनी भी राशि इन एजेंसियों के खाते में है वो सभी राशि लैप्स हो जाएगी। साथ ही आदेश में बताया गया कि यदि आपने पूर्व में कोई सामग्री क्रय की हो तब इसका भुगतान आप 25 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से कर लें, अन्यथा इसके पश्चात आप भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो उक्त आदेश के अनुसार समस्त शिक्षक साथी 25 जून 2021 के पूर्व अपने जो लंबित भुगतान हैं इन्हें पूर्ण कर लें। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत बहुत सारी राशि शालाओं के एसएमसी खाते में जमा की जाती है। यदि राशियों की बात करें तो इसमें कंटेंजेंसी की राशि, गणवेश की राशि, स्पोर्ट्स की राशि, इको क्लब की राशि, इस प्रकार की बहुत सारी राशियां शालाओं के एसएमसी खाते में प्राप्त होती है। अब इन राशियों के अतिरिक्त अन्य मदों की राशि भी शालाओं के एसएमसी खाते में प्राप्त होती है। यदि इसमें हम बात करें अन्य मदों की राशि की तो विधायक निधि की राशि भी आ सकती है इसमें, या फिर पीएचई विभाग की राशि इसमें आ सकती है नल जल योजना के अंतर्गत, या फिर जिला पंचायत की राशि भी इसमें प्राप्त होती है। एमडीएम से संबंधित जिन शालाओं में एमडीएम संचालित होता है वहाँ पर जिला पंचायत से भी राशि प्राप्त होती है। तो इन राशि को, जो अन्य मदों की राशि है, इन राशियों को आप एक अलग खाते में, अपने जो शाला है इसका एक अलग खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ओपन करके उक्त जो अन्य मदों की राशि है इन राशियों को उस खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन ले लेना जरूरी है। जैसे हम बात करें छिंदवाड़ा जिले की, तो छिंदवाड़ा जिले में स्पष्ट आदेश किया गया है जिला परियोजना समन्वयक महोदय के द्वारा, जिसमें बताया गया कि यदि आपके पास में समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत अन्य किसी मद की राशि है तब आप इस राशि को अपने किसी अकाउंट में, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है, और इस अकाउंट में आपको अन्य मदों की राशि को ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन जो राशि आप ट्रांसफ़र करेंगे इसके लिए आपको अलग से कैशबुक संधारित करना होगा। तो इस प्रकार यदि आप अन्य मदों की राशि किसी अन्य शाला के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं तब वो राशि लैप्स नहीं होगी, अन्यथा समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत जो भी राशि है वो और अन्य मदों की जो राशि है वो दोनों राशियां आपकी 30 जून 2021 के पश्चात लैप्स हो जाएगी। तो इसमें बताना चाहेंगे कि आप केवल जो अन्य मदों की राशि है, समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राशि को छोड़कर अन्य मदों की जो राशि है इसे किसी अन्य खाते में, शाला के किसी अन्य खाते में, शाला का ऐसा खाता जो कि ज्वाइंट हो, जिसमें अध्यक्ष सचिव दोनों संयुक्त रूप से इसमें खाते का संचालन करें, ऐसे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी अलग से कैशबुक आप संधारित कर सकते हैं। तो ये थी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार राशियों के समायोजन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है इस जानकारी से आपको सहयोग जरूर प्राप्त होगा। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तब आप इन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और अपना ढेर सारा स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।